नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत। आप देख रहे हैं डिजिटल मिकलो राइट। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसे कि हमने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो ये वीडियो है वो है दो ऐसे फोन्स के कंपैरिजन के बारे में जो कि काफी जबरदस्त और ताबड़तोड़ जो है वो दोनों ही फोन जो है वो होने वाले हैं, जिसमें से पहला है नोकिया का 6.1 प्लस जो कि लॉन्च हो चुका है कल और आपको मिलेगा 30 तारीख से, और दूसरा है हमारा Realme 2 जो कि आपको 28 तारीख से जो है वो लॉन्च होगा और उसके बाद मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। तो ये दोनों ही फोन जो है वो काफी जबरदस्त और शानदार हैं। तो इन दोनों ही जो है फोन्स के सारे स्पेसिफिकेशन जो है वो हम कंपेयर करेंगे टॉप टू बॉटम, और जो है आपके लिए कौन सा फोन ज्यादा बेहतर रहने वाला है, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो आपके लिए होने वाला है, कौन सा फोन आपको चूज करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो आपको वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगी। तो आइए कंपैरिजन करते हैं नोकिया के 6.1 प्लस का Realme 2 के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही फोन के जो है वो डिस्प्लेस के बारे में। यहाँ पे आपको नोकिया के 6.1 में 5.8 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। 19:9 का एक्सपेक्ट रेशियो सामने की तरफ नॉच देखने के लिए मिलता है। वहीं Realme 2 में भी आपको 6.2 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन मिलती है, 19:9 का एक्सपेक्ट रेशियो, और आपको जो है सामने की तरफ नॉच देखने के लिए जो है वो मिलती है। बात कर लेते हैं दोनों ही फोन के दिल के बारे में, जहां से आपको मेन जो है वो प्रोसेसिंग पावर मिलेगी। तो यहां पे नोकिया के 6.1 प्लस में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 636 जो कि थोड़ा सा पुराना हो चुका है। वहीं आपको Realme 2 में थोड़ा सा ज्यादा बेहतरीन प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 636 जो कि है हीलियो का P60। ये स्नैपड्रैगन 660 के कंपैरिजन का जो है वो चिपसेट है काफी ज्यादा फास्ट है, काफी ज्यादा बेहतरीन है। अगर आप कंपेयर करें स्नैपड्रैगन 636 से तो हीलियो का P60 जो है वो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा अच्छा प्रोसेसर साबित होता है। बात कर लेते हैं रैम वेरिएंट के बारे में। नोकिया 6.1 प्लस में आपको सिर्फ एक ही रैम वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा, 4GB और 64GB, और यहां पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगी। या तो आप दो सिम यूज कर सकते हैं या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड। वहीं Realme 2 में जो है वो आपको दो रैम वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, 4GB रैम, 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज और 128GB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शंस के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रॉपर 3 स्लॉट देखने के लिए मिलते हैं जिसमें आप दो सिम प्लस एक एसडी कार्ड एक साथ जो है वो यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ ड्यूअल 4G वोल्टी का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। तो आपको अपना कोई भी मेमोरी कार्ड या कोई भी सिम कार्ड जो है वो Realme 2 में कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे नोकिया 6.1 प्लस में आपको पीछे की तरफ जो है वो ड्यूअल कैमरे का सेटअप मिलता है, 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का। वहीं आपको Realme 2 में भी पीछे की तरफ जो है वो ड्यूअल कैमरे का सेटअप जो है वो देखने के लिए मिलता है, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का। वहीं बात करें सेल्फी कैमरे के बारे में, तो नोकिया 6.1 प्लस में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, और Realme 2 में जो है यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो कैमरे के मामले में जो है वो बिना कंपेयर किए तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन वाइज देखें, मेगापिक्सल वाइज देखें, तो आपको नोकिया कैमरा जो है वो ज्यादा बेहतरीन मिलेगा, 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का कैमरा, और Realme 2 में थोड़ा सा उससे 18 जो है वो कैमरा देखने के लिए मिलेगा। हालांकि Realme 2 का भी कैमरा जो है वो काफी अच्छा जो है वो होने वाला है। बात कर लेते हैं दोनों फोन्स की बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे नोकिया के 6.1 प्लस में आपको जो है वो थोड़ी सी निराशाजनक जो है वो बात होगी बैटरी के लिए। अगर आप देखें तो 3060 mAh की बैटरी जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। वहीं Realme 2 में आपको मैसिव 4230 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक काफी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बैटरी है। एक बार आप फुल चार्ज कर ले तो आराम से एक दिन डेढ़ दिन आपका बैटरी जो है वो बिल्कुल ही चल जाएगा, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं तो बार बार चार्ज करना पसंद नहीं करते, इसलिए बड़ी बैटरी वाला फोन होना ज्यादा जरूरी है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बात कर लेते हैं दोनों ही फोन के बारे में कि कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन मिलता है। तो यहाँ पे नोकिया के 6.1 में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन 8.1 मिलता है, वही Realme 2 में भी आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन 8.1 जो है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन नोकिया 6.1 प्लस में जो है वो आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप बहुत ज्यादा अगर कस्टमाइजेशन वगैरह करना चाहते हैं तो वहां पे ऑप्शन जो है वो नहीं होता। और Realme 2 में जो है वो आपको Oppo का कलर ओएस मिलने वाला है इस बार, तो यहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शन, जैसे कि आप जो है वो बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन वगैरह करते हैं, दो व्हाट्सएप फेसबुक इस तरीके की बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है वो कलर ओएस में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये आपकी जो है वो अपने पर्सनल चॉइस के ऊपर है कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है या फिर जो है वो आपको कलर ओएस पसंद है,
और बात कर लेते हैं दोनों ही फोन्स की प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पे नोकिया का जो 6.1 प्लस है वो आपको मिल रहा है 16,000 रुपए से मिलेगा आपको 30 तारीख को जो इसकी सेल स्टार्ट होगी। और वही रियलमी 2 जो है वो 4GB वाला और 64GB वाला जो वेरियंट है वो आपको तकरीबन जो है वो 12,000 रुपए के आसपास मिल सकता है, 12,900 रुपए के आसपास। और जो 6GB और 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको 14,900 रुपए के आसपास देखने के लिए जो है वो मिल सकता है। तो अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो जो है वो Realme 2 जो है वो ज्यादा किलर फोन साबित हो सकता है कुछ मामलों में, क्योंकि इसमें Realme 2 में आपको बेहतर जो है वो प्रोसेसर मिल रहा है Helio का P60, साथ ही साथ एक बड़ी बैटरी मिल रही है, अच्छे कैमरे का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ज्यादा रैम आपको देखने के लिए मिल रही है, 6GB वाला वेरियंट भी आपको इसमें मिल रहा है। साथ ही साथ आप इसमें 2 सिम कार्ड प्लस 1 SD कार्ड जो है वो लगा सकते हैं, ड्यूअल 4G को सपोर्ट करेगा ये, तो बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें भी है। कुछ अच्छी चीजें जो है वो नोकिया के 6.1 प्लस में भी है, ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी ग्लास बैक के साथ जो है, और साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 636 भी एक अच्छा प्रोसेसर है। और यहाँ पे आपको कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में और 16 मेगापिक्सल का बैक में 16+5 का देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन अच्छा कैमरा चाहिए, ग्लास बैक वाला फोन चाहिए और स्नैपड्रैगन 636 से आपका काम जो है वो चल जाएगा और हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ, तो आप नोकिया का 6.1 ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल पैकेज देखेंगे कि कौन सा फोन आपको ज्यादा कम पैसों में ज्यादा चीजें जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है, तो यहाँ पे Realme 2 जो है वो ज्यादा चीजें जो है वो आपको ज्यादा स्पेसिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करा रहा है, तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी Realme 2 जो है वो होने वाला है। साथ ही साथ इसका डायमंड कटेड डिजाइन जो है वो भी काफी अट्रैक्टिव लगता है, तो ये भी इसका एक थोड़ा सा एज जो है वो हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही फोन्स का जो है वो कंपैरिजन डिटेल में आपको अच्छा लगा होगा, आपका जो थोड़ा सा बहुत जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर से मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उसी से आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।